फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को 38 इंच ब्रा कट ब्लाउज कटिंग करके दिखाऊंगी। ये रिक्वेस्टेड वीडियो है, तो मेरा चैनल में 38 इंच ब्रा कट ब्लाउज वीडियो पहले से भी बहुत अपलोड किया हुआ है। चाहे तो आप वहाँ से भी देख सकती है और यहाँ से भी देख सकती है। जैसे कि ये रिक्वेस्टेड है, तो मैं फिर से आप लोगों को आज 38 इंच ब्रा कट ब्लाउज कटिंग करके दिखाऊंगी पूरा स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको किस तरह से कटिंग करते हैं पूरा स्टेप बाय स्टेप सीख लेती है। तो यहाँ से देखिए, इस तरीके से यहाँ पर देखिए अस्तर को इस तरीके से टू फोल्ड कर लेना है। जैसे कि देखिए ये ब्रा कट ब्लाउज है, तो पहले हम बैक पार्ट काट करूँगी। जैसे कि आपका ब्लाउज जितने साइज का भी हो, तो उसी से देखिए एक्स्ट्रा कितने इंच तक ऐड करना है, यह आप अपने हिसाब से ऐड कर सकती हैं। मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक के साथ यहाँ पर इस तरीके से टू फोल्ड कर अस्तर को फोल्ड कर लिया है। तो अभी देखिए लंबाई लेना है, जैसे कि ये ब्लाउज 14.5 इंच से तैयार। तो सिलाई के लिए 1 इंच रखूँगी, तो टोटल मैंने यहाँ पर 15.5 इंच का लंबाई लिया है ब्लाउज का। लंबाई हमेशा आप अपने हाइट के अनुसार ही लेना है। तो यहाँ से देखिए शोल्डर में यहाँ से 38 साइज़ के हिसाब से यहाँ पर देखिए मैं 5.5 इंच का शोल्डर ही रखूँगी। उसके बाद लेना है आर्म होल। आर्म होल देखिए आपका आर्म होल जितना इंच तक आता है उसी के हिसाब से ही लेना है। यहाँ पर देखिए आर्म होल 5.5 इंच का आर्म होल रखूँगी। तो यहाँ से भी देखिए 5.5 इंच बराबर मिला दूंगी। फिर लेना है चेस्ट। जैसे कि ये ब्लाउज 38 साइज से, तो मैं यहाँ पर 38 को 4 से डिवाइड करूँगी। 4 से डिवाइड करने के बाद जो भी मिलता है वही रखूँगी। 4 से डिवाइड करने के बाद 9.5 इंच तक मिलता है, और एक्स्ट्रा फैब्रिक आप अपने हिसाब से ही रखना है। तो यहाँ पर देखिए चेस्ट से हम यहाँ से 1 इंच कम रखूँगी कमर में, और यहाँ पर देखिए आर्म होल से इस तरीके से यहाँ पर शेप लगाऊँगी। चाहे तो आप इसको मेजरमेंट भी ले सकती है, जैसे कि 1 इंच का लगभग यहाँ का मेजरमेंट लेकर यहाँ पर पॉइंट को मिला सकती है। तो अभी देखिए यहाँ से नेक लेना है, तो यहाँ से देखिए यहाँ से देखिए 3.5 इंच तक फैब्रिक रखूँगी, और यहाँ से 2.5 इंच तक यहाँ से चौड़ा लूँगी। फिर यहाँ से इस तरीके से मिलाऊँगी। ये देखिए यहाँ से 2 इंच, फिर इसको इस तरह से मिला देना है। तो अभी देखिए इसमें देखिए आपको कोई भी नेक डिजाइन बनाना है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर नेक डिजाइन बना सकते हैं। बैक पार्ट काट कर लिया, तो उसके बाद देखिए हम फ्रंट साइड काट करूँगी। फ्रंट साइड काट करने के लिए इस तरीके से देखिए अस्तर को घुमा लेना है। घुमाने के बाद देखिए यहाँ से इस तरीके से टू फोल्ड कर बिछा लेना है। उसके बाद देखिए क्या करना है, जो मैंने बैक पार्ट काट करके रखा है इसी को देखिए इस अस्तर के ऊपर मैं रखूँगी। तो अभी देखिए बैक पार्ट के हिसाब से यहाँ पर पहली निशाना लगा लेना है इस तरीके से। इस तरीके से पहले बैक पार्ट काट करने से फ्रंट पार्ट काटने में बहुत ही आसान होता है, तो इसलिए कभी भी ब्रा कट ब्लाउज काट करना है तो पहले बैक पार्ट काट करना है। तो यहाँ से देखिए बैक पार्ट के हिसाब से मैंने यहाँ पर निशाना लगा लिया है। ये देखिए यहाँ से अभी फ्रंट नेक लेना है। फ्रंट नेक का डीप आपको जितने इंच तक चाहिए आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैं यहाँ से 7.5 इंच तक लूँगी, और यहाँ से इस तरीके से मिला दूंगी। मिलाने के बाद देखिए अभी यहाँ से एक्स्ट्रा 2 इंच ज़्यादा लूँगी। फ्रंट साइड की तरफ से एक्स्ट्रा 2 इंच ज़्यादा लेना है ब्रा कट ब्लाउज में। तो यहाँ से देखिए 3.5 इंच का इसका नेक का चौड़ा रखूँगी। तो अभी यहाँ से 5.5 इंच में और एक निशाना लगाऊँगी। ये मैं बास पॉइंट के लिए मेजरमेंट लेने के लिए यहाँ पर और एक निशाना लगा रही हूँ 5.5 इंच में। उसके बाद हम फ्रंट आर्म होल में भी शेप लगाऊंगी। यहाँ से देखिए 1/2 इंच का इस तरीके से शेप लगाऊंगी। फिर यहाँ से देखिए हम शेप लगा देना है।
तो आपको यहाँ का शेप किसे रखना है आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो इस तरीके से रखने से गुलाई में हो जाएगा और थोड़ा ऊपर की तरफ लगाने से बी शेप हो जाएगा। तो अभी देखिए यहाँ से बास पेन के लिए मेजरमेंट लेना है। यहाँ से लेने से देखिए 6 इंच का इसका बास पेन आता है और यहाँ से लेने से ये देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक के साथ 11.5 इंच तक आता है। तो एक्स्ट्रा सिलाई के लिए 1/2 इंच लेना है। ये देखिए मैं यहाँ से ही लूँगी 6 इंच। आपको जैसे सुविधा लगे उसी के हिसाब से यहाँ का बस पॉइंट का मेजरमेंट लेना है। चाहे तो आप शोल्डर से भी ले सकती है और जैसे जहाँ से मैंने 5.5 इंच का मेजरमेंट लिया है वहाँ से भी ले सकती है। तो उसके बाद देखिए अभी हम कतरी के लिए मेजरमेंट लेना है। तो देखिए कतरी के लिए मेजरमेंट किस तरीके से लेना है। जैसे कि ये ब्लाउज 38 साइज है तो हम 38 को 10 से डिवाइड करूँगी। जिस टाइम में मैंने चेस्ट के लिए मेजरमेंट लिया है उस टाइम में मैंने 4 से डिवाइड किया है। अभी कतरी के टाइम में हम 10 से डिवाइड करूँगी। 10 से डिवाइड करने के बाद जो भी मिलता है उसका हम डबल ले लूँगी। 10 से डिवाइड करने के बाद देखिए यहाँ पर 3.8 इंच और यहाँ से भी 3.8 इंच डबल ले लेना है। और एक्स्ट्रा सिलाई के लिए 1 इंच ले लिया है और यहाँ से देखिए 4.5 इंच बराबर हो गया है। तो अभी देखिए इसको हम सीधा मिलाऊंगी। फिर यहाँ से देखिए 1 इंच तक उठाऊंगी। अगर आपको कतरी का शेप ज़्यादा चाहिए तो यहाँ से 1/2 इंच बढ़ा सकती है और यहाँ से भी 1 इंच का शेप लगाऊंगी। उसके बाद देखिए कतरी में जितना इंच भी मिला है इसी को हाफ कर लेना है। इस तरीके से हाफ कर लेना है। कोई भी साइज़ का ब्लाउज में इसी तरीके से काट करना है, सिर्फ साइज में थोड़ा अलग होता है। तो अभी देखिए यहाँ से और एक पॉइंट लेना है। ये इस तरीके से भी ले सकती है। देखिए आर्मोल को यहाँ से हाफ कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर टोटल आर्मोल 18 है तो यहाँ से मैंने 4 इंच पर हाफ किया है। तो यहाँ पर देखिए इसको और इस पॉइंट को बहुत ध्यान में रखना है। यहाँ से देखिए थोड़ा आइडिया लगा कर मिलाना है। ये देखिए 2.5 इंच से एक सूख ज़्यादा मिलता है तो यहाँ से इस तरीके से इस पॉइंट को मिलाऊंगे। अगर ये पॉइंट सही नहीं होने से फिर से हम यहाँ पर पॉइंट लगाऊंगी। मुझे यही पॉइंट ठीक लग रहा है तो मैं यही पॉइंट को रखूंगी। तो यहाँ से इस पॉइंट को भी मिला दूंगी। फिर देखिए यहाँ से आर्महोल से और एक पॉइंट लेना है। ये देखिए मैं यहाँ पर 1/2 इंच ज़्यादा बड़ा कर लूँगी। ये मैं टोटल 6.5 इंच तक रखूँगी और इसको देखिए त्रिशा मिलाना है। इस तरीके से हल्का सा त्रिशा मिलाना है, सीधा नहीं मिलाना है। फिर देखिए कतरी का और एक पार्ट लेना है। जैसे कि दोनों पार्ट को एक ही साथ में काट करने से सिलाई करने के टाइम में बहुत ही इजी तरीके से सिलाई में मिल जाता है। तो यहाँ से देखिए मैंने 4.5 इंच तक लिया है। अगर आपका साइज़ ज़्यादा हेवी होने से यहाँ से 5 इंच तक ले सकती है तो यहाँ से देखिए आप इस तरीके से ले सकती है। तो यहाँ से मैं 1/2 इंच तक डाउन करूँगी और यहाँ से देखिए 1.5 इंच तक डाउन करूँगी और जहाँ से मैंने कतरी को हाफ किया है वहाँ से इसको भी मिला दूँगी। इस तरीके से देखिए तो अभी यहाँ से देखिए 4 इंच तक मिलता है। ये देखिए फिर यहाँ से देखिए 2.5 इंच तक रखूँगी। एक्स्ट्रा 1/2 इंच तक लिया है, फिर यहाँ से मिला दूँगी। ये देखिए फ्रंट साइड पूरा कम्प्लीट है। तो अभी हम इसको काट कर लूँगी। तो फ्रेंड्स कोई भी साइज़ का ब्लाउज को इस तरीके से मेजरमेंट लेकर काट कर सकते हैं। जैसे कि आपका ब्लाउज 32, 36, 34 इस तरीके से कोई भी साइज़ हो आप इस तरीके से मेजरमेंट लेना है। जिस तरीके से मैं यहाँ पर बताया है उसी तरीके से फॉलो करना है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इसी तरीके से फॉलो करके ब्लाउज कटिंग करने से आपका ब्लाउज परफेक्ट फिटिंग्स होगा और फिनिशिंग आप अपनी तरफ से थोड़ा कोशिश करना होगा। उसके बाद काट करना है स्लीव। तो स्लीव को काट करने के लिए मैं यहाँ पर देखिए अस्तर को 4 फोल्ड में पिसा लिया है। तो स्लीव का लंबाई आपको कितने इंच तक रखना है आप अपने हिसाब से लेना है। तो यहाँ से मैं स्लीव का लंबाई 10 इंच का लंबाई रखूँगी और एक्स्ट्रा सिलाई के लिए मैं यहाँ से 1 इंच रखूँगी। तो टोटल एक्स्ट्रा फेब्रिक के साथ मैं यहाँ पर 11 इंच का स्लीव का लंबाई रखूँगी।
और यहाँ से लेना है 7.5 इंच लेना है। तो स्लीव का मोहरी आपका जितने इंच तक आता है उसी के हिसाब से लेना है, और एक्स्ट्रा आपको कितने इंच तक रखना है आप अपने हिसाब से रख सकती है। तो स्लीव काट करने के लिए और एक तरीका है, आप बैक पार्ट का आर्महोल को मेजरमेंट लेकर काट कर सकती है। फिर यहाँ से मैं योग पट्टी काट करूँगी, तो योग पट्टी को भी देखिए बैक पार्ट का कमर के मेजरमेंट के हिसाब से ही काट करना है। तो बैक पार्ट का कमर में जितने इंच तक आता है उसी के हिसाब से मैं यहाँ पर रखूँगी और यहाँ से इस तरीके से काट कर लूँगी। योग पट्टी के लिए मैं अलग से पट्टी काट करूँगी, तो यहाँ से देखिए कितने इंच तक लेना है, तो यहाँ से भी हल्का सा काट कर लूँगी इस तरीके से मिलाकर, ये देखिए। तभी यहाँ से देखिए, यहाँ से मैं 5.5 इंच का यहाँ से रखूँगी और मिडल से इस तरीके से मिलाऊँगी। तो अभी देखिए हम यहाँ से काट लगा लूँगी। अस्तर पे कटिंग कर लिया है, अभी हम फैब्रिक में काट करूँगी। ये मैं बचा हुआ फैब्रिक से 38 साइज ब्रैकेट ब्लाउज कटिंग कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, पहले अस्तर पे काट करने से फैब्रिक में काट करना बहुत ही आसान होता है। अगर आपके पास ज़्यादा फैब्रिक नहीं होने से भी इस तरीके से अलग अलग तरीके से यहाँ पर काट कर सकती है। तो मैं यहाँ पर देखिए अलग अलग कर काट कर रही हूँ फैब्रिक में। तो अगर इस फैब्रिक में एक ही साथ में मेजरमेंट लेकर काट करने से दिक्कत होता है, तो इस तरीके से पहले अस्तर में काट कर लेने से यहाँ पर देखिए फैब्रिक इस तरीके से अलग अलग होने से भी कोई दिक्कत नहीं होता है। तो यहाँ पर इस तरीके से काट कर सकती हो।
तो इस ब्लाउज में डोरी होगा, मैं यहाँ से डोरी काट करूँगी। डोरी में यहाँ पर देखिए उरेप काट कर रही हूँ। उरेप काट करने से इसको पलटने में बहुत ही आसान होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 38 इंच ब्रैकेट ब्लाउज अस्तरा फैब्रिक में कटिंग पूरा पूरी कंप्लीट है। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आने से वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचने के लिए। तो इसके स्टिचिंग मैं अगला वीडियो में करके दिखाऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।